दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही सीरियस होने वाली है। अगर आप जैसे कि थंबनेल आपने देखा और अभी मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा रहा हूं, अगर इसके बारे में अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है तो फिर इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर इसके बारे में अगर आप जानते हो तो फिर ये वीडियो आप मतलब कि छोड़ सकते हो, स्कीप कर सकते हो, आपके लिए वीडियो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक चैनल हैक हो गया है जिसके ऊपर मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे और वो चैनल हैक हो गया बस कुछ ही ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ना इस टाइप के वीडियो को जरूर देखनी चाहिए। आई बटन पे क्लिक करें, आई बटन आपको अगर नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको आई बटन मिलता है तो आई बटन पे देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है जो मैंने उस स्टडी वीडियो का लिंक मैंने डाला है, वो वीडियो का आप देखें। मतलब ये कि आपको उस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि कितनी छोटी सी गलती से आपकी जो चैनल है वो हैक हो सकती है और हैक हो भी गई है। हैक होने की वजह से आज वो भाई कितने परेशान है, वेल वो वीडियो को आप देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, पहले मैं ये सोचता था कि अपना जीमेल आईडी को अपने चैनल के अबाउट में नहीं रखने से हमारा चैनल सेफ रहेगा, और ये भी कुछ सोचते थे और बहुत सारे यूट्यूब पे ये भी वीडियो है कि अपने चैनल का जीमेल आईडी के साथ में 2-स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आपकी जीमेल आईडी यानी कि आपके चैनल जो है वो सेफ है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं जीमेल आईडी के जो पासवर्ड है थोड़ा सा हम हार्ड रखेंगे, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के रखेंगे तो बिल्कुल वो सेफ है। नहीं भाई, बिल्कुल सेफ नहीं है। आप यस्टरडे की वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि वो अभी मतलब चैनल बिल्कुल सेफ नहीं है। आज के टाइम में 3 साल पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था टेक्निकल गुरुजी सर के चैनल पे, वो वीडियो मैंने देखा और उस वीडियो के बारे में मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा। ये चीज जो यहाँ पे जो डिवाइस देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ में बताने वाला हूं कि इसे अगर आप यूज करते हो तो हैकर का बाप भी आपके चैनल को हैक नहीं कर सकता। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप जो है मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर में एक वीडियो क्लिप भी बताऊंगा जो आप उसे देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके चैनल अगर सीरियस में आप काम कर रहे हो अपने चैनल के ऊपर में, और आपका चैनल अगर ग्रो है या आप अगर सीरियस में अपने चैनल पे काम करते हो तो आपको जो है इस डिवाइस को जरूर यूज करना चाहिए। इससे फायदा दोस्तों ये होगा कि अगर आपका चैनल की जो पासवर्ड है यानी कि आपके जीमेल आईडी के पासवर्ड किसी को दे भी देते हो, लिख के दे देते हो, फिर भी वो आपके चैनल मतलब आपके चैनल में एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपको मैं बता दूं हैकिंग करने का आज के टाइम में बहुत सारे तरीके हैं, आप बोल नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्पॉन्सरशिप का लिंक आता है उस पर क्लिक करेंगे तो हैक हो जाता है, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे लिंक है जिस पे आप क्लिक करते हो तो आपके जीमेल आईडी की पासवर्ड जो भी है और जीमेल आईडी शेयर हो जाता है उस हैकर के पास में। वेल इस सब बातों को छोड़िए, मैं आपको फाइनल क्लियर कट बताने वाला हूं कि भाई ये जो डिवाइस है ये इस तरह से काम करता है। आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो डिवाइसेस है यहां पे 2 तरह का आप देख पा रहे हैं, ऊपर और नीचे आप दिख रहा है, एक में एनएफसी है और दूसरा एक सिंपल है। ये दोनों का जो प्राइस है वो मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसका वर्क मैं बता दूं, जिसमें एनएफसी है वो मोबाइल और कंप्यूटर के साथ यानी लैपटॉप के साथ दोनों में काम करता है। आप अपने लैपटॉप में भी आप उससे लॉग इन तो कर पाओगे, लेकिन अगर आप चाहे तो अपने एंड्रॉइड फोन में भी आप इसे इसके मदद से आप लॉग इन कर सकते हो, अपने जीमेल आईडी को सेफ रख सकते हो। जीमेल आईडी नहीं, आपके सोशल जो भी आपके अकाउंट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और जो भी कुछ आपका जो जीमेल आईडी है, मल्टीपल जीमेल आईडी को आप सेफ इसके साथ में रख सकते हो। इसके बिना आपकी जो जीमेल आईडी है वो एक्सेस कोई भी बंदा नहीं कर पाएगा। आप उसको रियल पासवर्ड भी दोगे तो भी वो उसे नहीं ओपन कर पाएगा। जब तक कि इसे आप अपने फिंगरप्रिंट टच नहीं करते हैं तब तक ये काम बिल्कुल ही नहीं करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये इतना यूजफुल है कि जितने बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं जो फेमस हो चुके हैं उन लोगों के चैनल जल्दी हैक क्यों नहीं। जो एनएफसी है जो मोबाइल और कंप्यूटर में जो दोनों में काम करता है उसकी जो प्राइस है 4500 यानी 4500 है, और जो सिर्फ आपके कंप्यूटर लैपटॉप में काम करता है उसकी जो प्राइस है वो 3000 समथिंग कुछ है। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप प्लीज उसे ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये है तो आप हो। आज के टाइम में कुछ भी सेफ नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेफ नहीं है। बाईपास हर चीज को किया जा सकता है, चाहे वो ओटीपी हो या 2-स्टेप मतलब वेरिफिकेशन हो या आप कितने भी हार्ड पासवर्ड लगा दो। तो मेरे भाई बहुत ज्यादा कीमत इसकी नहीं है। अगर आपके चैनल अगर ग्रो है या
आप अपने चैनल पे सीरियस हो, आने वाले समय में आपके चैनल बहुत अच्छा, आपको लगता है कि मुझे YouTube पे कुछ करना है, तो भाई इसे जो है आप जरूर परचेस कर लें। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेक करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप YouTube पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो, अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो, या कोई सेटअप करके दिखा रहा है वो भी आप देख सकते हो। फिलहाल मैं बहुत ही जल्द आपको इसकी अनबॉक्सिंग और पूरी सेटअप जो है अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे बताऊंगा और इसी चैनल के ऊपर में। तो वेल, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि YouTube का यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसी तरह से यूजफुल वीडियो तो अपलोड करते ही हूँ। साथ में दोस्तों, आपको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है उसका भी हेल्प मैं करता हूँ। इसके लिए आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब मुझे आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, इसकी लिंक है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी तरह से और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही जल्द मैं आने वाले वीडियो में मिलता हूँ कल सुबह सेम टाइम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।